नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉली किटी और वो चमकते सितारे, या इंग्लिश में उनका नाम कहूँ डॉली किटी एंड दोज ट्विंकलिंग स्टार्स। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये यकीन हो गया था कि यार एक और कचरा आने वाला है नेटफ्लिक्स के ऊपर। जब कभी भी आप एक प्राणी है जिसका नाम है एकता कपूर, इसका नाम जब भी सुनो किसी मूवी या सीरीज के अंदर, तो समझ आना उस मूवी या सीरीज के अंदर एकदम घटिया और वाहिया सोच दिखाई गई है। एकता कपूर जो बहुत ज्यादा सुडो फेमिनिस्ट है, महिलाओं को एक अलग ही तरीके की आजादी का पाठ पढ़ा रही है। इस मोहतरमा के अकॉर्डिंग कोई महिला कब स्ट्रांग होगी, कब पूरी तरीके से आजाद होगी? नंबर वन, जब वो दारू पीना स्टार्ट कर दे। नंबर टू, वो शादीशुदा होते हुए भी किसी और दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए। नंबर तीन, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है यानी अनमैरिड है, तो उसको अपनी वर्जिनिटी खोनी पड़ेगी। नंबर चार, उसे अपने कल्चर की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस दारू पीकर भंड रहना, गालियां बकना और हर एक मर्द के साथ, हर एक गैर मर्द के साथ सेक्स करना जी भरकर, यही एकता कपूर की एक डेफिनेशन है जिसके अंदर महिला स्ट्रांग हो सकती है और पूरी तरीके से आजाद हो सकती है। और अगर गलती से भी किसी महिला ने अपने कल्चर की वैल्यू कर ली, या अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने स्वाभिमान के साथ अपने घर परिवार को आगे लेके गई, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, तो भाई साहब वो जो औरत है उसे कतई भी जीने का कोई हक नहीं है। उसकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है और वो कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकती। अब इस मूवी की महान कहानी की बात कर लेते हैं। दो बहनें हैं, एक डोली जिसे प्ले किया है कोंकण सेन शर्मा ने, और डोली की बहन है काजल उर्फ किटी जिसे प्ले किया है भूमि पडनेकर ने। डोली की शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं और अपने परिवार के साथ वो खुश है। लेकिन क्या होता है कि जो इसकी बहन है, जो कजन है, एक तरीके से चाचा ताऊ ऐसे कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो काजल जो है बिहार से अपने घर से भागकर डोली के पास रहने आ जाती है। नोएडा में रहते हैं ये। जब ये अपने इसके अपनी बहन के पास आता है, तो इसके जीजा जो है इसको छेड़ना शुरू करता है और इसके ऊपर गलत नज़र रखने लग जाता है। और ये बात जो है काजल अपनी बहन को बताती है, डोली को बताती है, तो डोली ऊपर से मतलब इससे चिढ़ने लग जाती है कि तेरी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो दोनों अब अलग हो जाती हैं, मतलब एक घर में रह रही होती हैं। तब तो वो अपना अलग रास्ता चुन लेती है। काजल जो है वो अलग ही रूम ले लेती है और अलग रहना स्टार्ट करती है। अब वो काम करना शुरू करती थी, काम ऐसे काम मतलब एक वो होता है ना, आपने सुना है अखबार के अंदर एक आता है कि अपनी अकेलापन दूर करें, हमें कॉल करें, 5 रुपया 9 रुपया ऐसे पर मिनट का वो लगता है। तो वहां पर वो काम करना शुरू करती है और उसको कितने गर्व से दिखाया गया है कि यही एक भविष्य है, भारत का आने वाला एक भविष्य है, और इसे जो करेगा यही एक मॉडर्न बनने की एक निशानी होगी। यार कसम से इसे एक मॉडर्न युग दिखाया गया यार, मुझे क्या बताऊं यार, ये मॉडर्न युग कम, मुझे तो ये बल्कि यार एक कलयुग है। डोली जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है शारीरिक रूप से, तो वो एक डिलीवरी बॉय को अपने शारीरिक रूप का मतलब भूख मिटाने के लिए जो भी वगैरह इसके अंदर दिखाया गया है वो डिलीवरी बॉय से कंप्लीट करती है। मतलब कोई डिलीवरी बॉय होता है उससे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और काजल किसी और लड़के से प्यार करने लग जाती है और वो जाके उसके साथ फिजिकल हो जाती है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो अपनी ही सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ फिर से फिजिकल हो जाती है। मतलब ये कौन सा युग दिखा रहे हो यार तुम लोग। अब तुम यही सोच रहे हो कि एटलीस्ट ये मूवी हमें दिखाएगी क्या, उसका संदेश क्या है? यार घंटा है इसका संदेश। मैं खुद हैरान हो रहा हूँ यार, लोगों के पास इतना पैसा, इतना वाहियात घटिया बेकार कहानी के ऊपर, इतनी वाहियात मूवी बनाने के लिए इतना पैसा वो लगा लेते हैं। यार इतना ही ज्यादा फालतू रुपया हो गया तो मुझे दे दो यार, PS5 ले आऊंगा, थोड़े टाइम में रिलीज होने वाला है। और कसम से इसके मेकर्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार, छोटे छोटे बच्चों को तो बख्श दो यार, उनके दिमाग में तुम अभी से जेंडर को लेकर कितनी मतलब उनके दिमाग में कितना कंफ्यूज कर रहे हो यार। अभी से उनके दिमाग में अगर तुम जेंडर को लेकर उनके कंफ्यूजन पैदा कर दोगे, तो आने वाले टाइम में वो कैसे पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाएंगे, कैसे अपनी सोच को विकसित करेंगे? कम से कम उन छोटे छोटे बच्चों को तो बख्श दो। इस मूवी का पूरा फोकस सेक्स, दारू और अपने आप को कैसे कंफ्यूज किया जाए इसी के ऊपर दिखाया गया है। कसम से ये आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कहेंगे यार हमें क्या यार कुछ भी दिखाए, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। यार ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी आता हूं, एंटरटेनमेंट के मामले में बात करूं, जब इस मूवी को मैंने 1 घंटा देख लिया था, इस मूवी को बंद करके मुझे यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देखनी पड़ी थी ताकि मेरे अंदर हिम्मत आए इसको और झेल सकूं मैं। और जब मैं इस मूवी को देख रहा था, उस वक्त देखते देखते मुझे बहुत ज्यादा इसको मतलब उबासी आ रही थी। अब तुम अंदाजा लगा लो यार कितनी ज्यादा बोर करने वाली, और इसमें सच में कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, बिल्कुल वाहियात मूवी है। और इस मूवी को देखते दौरान बस एक ही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था, मैं इसे देख क्यों रहा हूं? और अब सच कर रहा हूं कि जब ये वीडियो बना रहा हूं तब भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और भारत यानी नेटफ्लिक्स इंडिया जो है उसके अंदर इतना ज्यादा कचरा है, वो तुमने दिल्ली के अंदर वो बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे कचरे के, एटलीस्ट मतलब ये इसके कंटेंट को देखकर वैसा ही फील होता है। और अब बात करें इसको स्टार देने की, यार कसम से मैं तो 0 स्टार देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। क्योंकि यार मैं इतनी अच्छी अच्छी मूवीज देख रहा था, कुछ एक सीरीज मैंने चला रखी थी, मैंने सोचा यार इनको कंप्लीट करता हूं, उनका रिव्यू करता हूं, उनको बीच में रोक कर ये घटिया और वाहियात मूवी मुझे देखनी पड़ी। यार मेरे अंदर यार गुस्सा तो बहुत आ रहा था कसम से, यार
छोड़ो यार, खैर बस आज के लिए इतना ही था। और मैं किसी को ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तुम सोचो यार, कोई कहूँ कि जा, नहीं आया यार, बिल्कुल भी मत देखो यार, इससे दूर रहो यार, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ऐसी वाहियात घटिया चीजें देखकर। बस बस, और इसके बारे में बात ही नहीं हो रही यार, उल्टी आने का मन हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।